हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल #मोटो ट्रेवल। सो गाइस, ये जो वीडियो है, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है। इस वीडियो में जो कंटेंट है वो है हमारे R15 के बाइक से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जो है अपने हैंडल का जो प्रॉब्लम है, वो हैंडल के प्रॉब्लम का जो इशू है उसको सॉल्व करने वाले हैं आज। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जो है सर्विस सेंटर जाकर के पता चलेगा, क्योंकि मैंने कल सर्विस सेंटर गया था और सर्विस सेंटर में वहाँ पे जाकर के एक प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप कल आइएगा। तो हम जो है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो आज इस वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग जो है सर्विस सेंटर जा रहा हूँ और फिर हम लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि क्या वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। जितना मुझे पता है कि इसमें हमारे R15 में ये जो मेन चीज़ है, ठीक है, कंसेंट है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा जहाँ पे भी जैसे बाइक पुरानी हो जाती है, 2-3 साल हो जाते हैं, तो जो हैंडल होता है, हैंडल के अंदर कुछ बॉल्स होती हैं और उस बॉल्स को चेंज कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना राइड कर चुके हैं, कितना हम गड्ढों में बाइक चला रहे हैं। तो ये मेनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है स्पोर्ट्स बाइक में और सुपर बाइक्स में। तो कुछ कंपनीज ने जो है उसको अच्छे से कवर किया हुआ है, अच्छे से जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन कुछ है मतलब R15 में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर के, और उसकी वजह से हम लोगों को बबलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी जितना है अपना R15 जो है, आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। अपना जो R15 है वो चल चुका है 13,000 समथिंग। देखिए, ये अपना रेडोमीटर है 111, ये अपना 14,1800 अभी तक अपना चल चुका है। और अभी जो अपने को एवरेज आ रहा है वो 38.8 किलोमीटर्स का आ रहा है, और यहाँ से हम लोग जो है अपना देख सकते हैं किलोमीटर्स, ये जो हमारा है यहाँ से हम अपना देख सकते हैं। तो चलते हैं अब अपना सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर पे जाकर के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और क्या इसका ऑल्टरनेट है। तो अभी चलते हैं हम लोग सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में जाकर के मैं आपको, ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे जाकर के किस तरीके से क्या क्या हम लोग चेंज कराते हैं और क्या हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जी भाई, अब हमारा ये खुल रहा है, ये खुलने के बाद फिर जो है बाइक स्टैंड पर खड़ी होगी और फिर उसके बाद हैंडल खुलेगा, फिर खुलेगा हैंडल, उसके बाद पता चलेगा अपना बाइक में क्या प्रॉब्लम है। ऑयल हम लोगों ने शॉकर्स में डाल दिया है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, तो देखते हैं।
क्या इसमें साफ करी थी टेढ़ा हो रहा है लग रहा है नहीं लग नहीं रहा वो हो भी रहा है ना भैया हाँ देखो कितना है अलग ही चमक रहा बता नहीं एंजन पे बैंड है तो ये चेंज होएगा बैंड है भाई हैंडल बैंड निकला भाई ये यार क्या बोलते हैं इसको कंसेट ये होता है कौन सा रेस बैरिंग किट रेस बैरिंग किट पुराने वाला कैसा दिखता है पुराने वाला बहुत अच्छा सामने दिखा दो एक बार कंपेयर करा दो भाई ये अपना नया वाला कंसेप्ट और ये अपना पुराने वाला है ये थोड़ा सा अजीब है और ये अपना नया है ये लो कंटिन्यू करो आप अपना काम तो गाइस अभी हम लोग टेस्ट राइड लेकर के वापस आ चुके हैं घर पे अभी हमारा सारा काम हो चुका है टेस्ट राइड के बाद बाइक बहुत स्मूथ चल रही है बहुत कंफर्टेबल है जो भी हमारा बबलिंग का इश्यूज था वो सब खत्म हो चुका है वो रिजॉल्व हो गया है मैंने नया कंसेप्ट डलवाया है नए कंसेप्ट में जो है मैं आपको बता देता हूँ नया कंसेप्ट यहाँ पे डलता है एक रोब होती है एक ट्यूब होती है ट्यूब के ऊपर कंसेप्ट होता है तो उस कंसेप्ट को निकलवाया था हमने और जब हमने चेक किया तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जो वो पिक है उसमें पिक में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो हमारी हैंडल टी है उसको हैंडल टी बोलते हैं वो थोड़ा टेढ़ा था वो टेढ़ा किस वजह से हो जाता है कि जैसे कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और कहीं गहरा धचकी आ जाती है या कोई गड्ढा होता है वहाँ पर जा करके बाइक घुस जाती है और हम लोग स्पीड पर होते हैं तो उस वजह से वो क्या होता है कि कभी कभार ज़्यादा गड्ढा होने की वजह से या ज़्यादा हैंडल पर जोर पड़ने की वजह से वो टेढ़ा हो जाता है और कंसेप्ट हमें कब चेंज कराना चाहिए जब हमारा मोर देन 10,000 अबव बाइक चल जाती है तब हम लोगों को कंसेप्ट चेंज कराना चाहिए कंसेप्ट हमें मैक्स जो रिकमेंडेड है 10,000 के बाद अगर आपका फिर भी अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको 10,000 के बाद चेक करा लेना चाहिए कि आपके कंसेप्ट सही है कि नहीं है क्योंकि कंसेप्ट जो होता है वो रिंग्स होते हैं और उसके कुछ कॉर्न बॉल्स होती हैं एक तो कंसेप्ट होता है और एक कॉर्न बॉल्स होती हैं तो वो हमें चेक करा लेना चाहिए 10,000 के बाद अभी हमारा कितना खर्चा है उस पर बात करते हैं जो हमारा खर्चा आया हमारा कंसेट और बॉल्स का जो है 7,000 कुछ का खर्चा आया बॉल्स उसी के साथ आती है कंसेट के साथ तो उसका पूरा 700 समथिंग का जो है हमारा सेट था प्लस हमारा 1200 के समथिंग जो है ट्यूब पड़ा था हैंडल टी जिसको हम बोलते हैं तो हैंडल टी और उसको मिला करके कुछ अप्रॉक्स जो है हमारा 2000 के आसपास बैठा था 2000 अबव बैठा था 2300 समथिंग तो क्योंकि दो तीन चीज़ें और उसमें रिंग्स के साथ डली थी और प्लस मैंने एक मोबाइल होल्डर यामा का जो है वो भी मैंने इंस्टॉल करवाया है जो कि हमें 1200 रुपये का पड़ा ये विद चार्जिंग के साथ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है हमने परचेज किया है यामा से ये डायरेक्ट यामा के सर्विस सेंटर से परचेज किया हुआ है जो कि यामा का है कंपनी का और इसके साथ यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग करवाया जिससे कि हमें यहाँ से इसको चार्जिंग हम ले सकें और इसका जो वायरिंग है ये वायरिंग बहुत अच्छा है इस पर कवर चढ़ा हुआ है वायरिंग पे और पतले तार नहीं है काफ़ी मोटे तार हैं तो इस वजह से जो है ये काफ़ी सेफ एंड साइट है और मुझे इस वजह से मैंने इंस्टॉल कराया कि काफ़ी अच्छा लगा ये मेरे को प्रोडक्ट तो गाइज अगर आप लोग रश राइडिंग करते हो या फिर आपकी बाइक ज़्यादा गड्ढे वगैरह में जाती है ऑफ रोडिंग पर ज़्यादा चली जाती है R15 तो ये ऑफ रोडिंग के लिए तो बाइक है नहीं बट अगर फिर भी आप जा रहे हो और कहीं ऑफ रोडिंग हो रही है और वहाँ पे आपके हैंडल ज़्यादा बबलिंग कर रहा है या फिर हैंडल पे आपको लग रहा है कि कंफर्ट नहीं है
और आपको बार बार टाइट कराना पड़ रहा है, तो आप ये चीज़ कराइए और इससे जो है परफेक्ट सॉल्यूशन है ये आपका, तो इससे जो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये सिर्फ खाली R15 V3 वर्जन के लिए नहीं है, ये V1 और V2 वर्जन के लिए भी है। उसमें भी अगर सेम प्रॉब्लम होती है तो आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं और ये आपका 101% सॉल्यूशन है और आपको पक्का इसमें रिजल्ट्स मिलेगा। अब बात करते हैं व्यूज़ की, वीडियोज़ की। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जितनी भी मेरी वीडियोज़ देखी गई हैं। मुझे अच्छा लगा कि मुझे इतने भी व्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं थे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। डिसअपॉइंट किस लिए हूँ कि अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो तो वीडियोज़ पे लाइक नहीं आ रहे हैं, वीडियोज़ शेयर नहीं हो रही है, वीडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो मुझे सच में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियोज़ एंड लाइक माई वीडियोज़ ऑल्सो। और कोई भी फीडबैक है, कुछ भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताओ, जिससे कि मैं उस पर काम कर सकूँ। मेरे को थोड़ा सा एक क्या है कि पता चलेगा कि आप लोगों को क्या कंटेंट चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, या फिर आपको किस चीज़ का कंसर्न है बाइक से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो निकाल के दूंगा, जिससे कि आपको पता चले उसके सॉल्यूशन के बारे में मालूम होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ ये वाला वीडियो पूरा देखना, तब आप अगर आपके बाइक से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। और थोड़ा सा नॉइजी है, घर में हूँ, बाहर सब्जी वाले बाइक वाले थोड़ा रोड वगैरह चलता रहता है, तो वॉइस वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो माइक इसलिए मैं यूज़ नहीं करता, माइक का थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हम कोई व्लॉग बना रहे हैं कहीं शोरूम में खड़े होकर के या फिर कुछ भी, तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी क्या है कि माइक मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर में हूँ, तो जो मेरा कैमरा है DJI ओस्मो एक्शन कैमरा, इससे मैं शूट करता हूँ, तो इसमें काफ़ी वॉइस कैप्चर कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, रोड चलती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा नॉइजी रहता है। सो गाइस नेक्स्ट कंटेंट आएगा मेरा ट्रैवल वीडियो पे। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं 3 जुलाई का जाने का, और ये रोड ट्रिप होने वाला है। मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी बात चल रही है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम लोग जल्दी एक अच्छा सा ट्रिप बनाएंगे 3 जुलाई को, और कहाँ जाएंगे वो अभी डिसाइड करेंगे, तो मैं आपको तभी बताऊंगा, जाने से पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल #MotorTravel। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।